सीमा हैदर पर योगी सरकार ने सुनाया पहली बार बड़ा फैसला। सीमा जाएगी सीमा पार पाकिस्तान या रहेगी भारत में ही, योगी आदित्यनाथ ने बता दिया सीमा का भविष्य। सीमा हैदर सचिन मीणा मामले पर पहली बार मुख्यमंत्री योगी ने दी अपनी प्रतिक्रिया। रिवर्स लव जिहाद को लेकर कह दी बड़ी बात। यूपी पुलिस एटीएस कोर्ट न्यायालय का फैसला आने से पहले ही योगी ने तय कर दिया सीमा का भविष्य। सीमा मामले पर लोग करते रहे मोदी योगी के फैसले का इंतजार, अब हुआ खत्म। अंजू नसरुल्ला पर भी गुस्सा हुए योगी। सीमा के साथ साथ अंजू पर भी सीएम योगी ने कह दी बड़ी बात। हर कोई हो गया हैरान, सीमा पर इस तरह से आ जाएगा योगी का डायरेक्ट फैसला, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। योगी के फैसले से सीमा हैदर खुश हुई या नाराज, ये पूरी खबर देखकर समझ जाएंगे आप। आइए देखते हैं दोस्तों सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सीमा सचिन और अंजू नसरुल्ला, ये दोनों केस इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों की नजर बस इन्हीं मामलों पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से सीमा हैदर मामले को लेकर एक सबसे बड़ा बयान सामने आया है। ना सिर्फ सीमा हैदर और सचिन मीणा बल्कि अंजू और नसरुल्ला केस पर भी योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी का फैसला तो हम आपको बताएंगे, इससे पहले देखिए सीमा हैदर की भारत में किस्मत चमक रही है। जिस तरह से पाकिस्तान में अंजू को तोहफे मिल रहे हैं, लाखों के घर और प्लॉट गिफ्ट में दिए जा रहे हैं, ठीक वैसे ही अब सीमा हैदर को भी भारत में फिल्मों में जाने का ऑफर मिला है। उत्तर प्रदेश के फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपनी फिल्म में सीमा हैदर के साथ साथ सचिन को भी काम करने के लिए बुला लिया है। और इतना ही नहीं, गुजरात के एक कारोबारी के द्वारा भी सीमा हैदर और सचिन मीणा के लिए नौकरी का ऑफर भेजा गया। 6-6 लाख का सालाना पैकेज देने को तैयार है भारत का गुजरात का कारोबारी। 50,000 रूपए हर महीने नौकरी का दिया ऑफर। बॉलीवुड की हीरोइन बनेगी सीमा हैदर और क्या भारत में ही सेटल हो जाएगी सीमा? सीमा का भविष्य और सीमा की आगे की किस्मत क्या होगी? इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बड़ी बात कह दी है। जब से सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी चर्चा में आई, उसके बाद से अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मामलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन पहली बार जब सीएम योगी से सवाल किया गया कि क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा या सीमा को भारत की नागरिकता मिलेगी, तो सीएम योगी ने भी सवाल के जवाब में ना बचते हुए बड़े ही बेबाक तरीके से इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पबजी गेम से शुरू हुई ये प्रेम कहानी नोएडा के रबुपुरा तक आ पहुंची। सचिन और सीमा की दोस्ती प्यार में बदली। भारत में यूपी पुलिस और एटीएस से भी काफी पूछताछ हुई। सीमा हैदर के जासूसी एंगल की पूरी तरीके से जांच की गई, लेकिन अभी तक भी सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस या एजेंट होने पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मानो इन सब कुछ से सीमा हैदर को अपने भाग्य का पूरा साथ मिलता रहा है। लेकिन क्योंकि ये मामला उत्तर प्रदेश का है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही सीमा हैदर का भविष्य लिखेंगे। भले ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दया याचिका भेजने से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील एपी सिंह का साथ लेना, सीमा हैदर ने हर पैंतरा अपनाया, लेकिन ये इलाका योगी का है, अंतिम फैसला योगी का ही होगा। अब तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े अपराधियों और माफियाओं की भी सीएम योगी से कांपती है। इस बीच क्या सीमा हैदर का साथ देंगे सीएम योगी या सचिन पर दिखाएंगे दया? आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सीमा और सचिन मामले पर यूपी पुलिस और एटीएस की जांच तो पूरी हो गई, देश की दूसरी खुफिया सुरक्षा एजेंसियां भी इस मुद्दे पर पूछताछ कर रही हैं और अंदरूनी तरीके से इस मामले पर पूरी जांच की जा रही है। सीएम योगी ने बेबाक तरीके से कहा कि इस मामले की जांच पूरी होने तक मैं कोई बड़ा फैसला नहीं सुना सकता या मैं डायरेक्ट कोई ऑर्डर भी नहीं दे सकता। सीएम योगी ने बड़े ही न्यायपालिका के तरीके को अपनाते हुए कहा कि जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों की जांच पूरी होती है और इस मामले की रिपोर्ट मुझे सौंपी जाएगी, फिर सीमा हैदर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अंजू नसरुल्ला की लव स्टोरी पर भी सीएम योगी ने कहा कि ये दो देशों से जुड़ा मामला है और सुरक्षा एजेंसियां इस पर बारीकी से काम कर रही हैं। जांच के बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। और ऐसे में देखते हैं दोस्तों, जैसे ही जांच रिपोर्ट पूरी होती है योगी सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हमारे इसी फेसबुक पेज के माध्यम से सीमा अंजू से जुड़ी सारी खबरें। देखते रहने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।